रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलत किचन में खुश आमदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत इजी और बहुत मजेदार सिंगापुरियन राइस। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। जी, तो हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। पहले हम बनाएंगे चिकन की ग्रेवी। जी, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे ये होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है ना, वो खत्म हो। अब हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनेंगे ताकि चिकन की स्मेल खत्म हो जाए। इतना भूनेंगे कि चिकन की स्मेल जो है वो खत्म हो जाए और रंग उसका चेंज हो गया। देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया और इसकी स्मेल भी खत्म हो गई। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटो प्याज, जो कि हमने एक प्याज लिया, उसको हम इसके साथ थोड़ा सा। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं सेता। ये हमने मेहरान का सेता और ये केचप वगैरह सब मेहरान का लिया। आपकी चाय को आपकी मेहरान का। 3 चम्मच हम इसके अंदर सेता ऐड करेंगे। तीन चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिल्ली सॉस। टेबल स्पून है, ठीक है। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं पिसी मिर्च, जो कि 1 चम्मच। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं काली मिर्च, जो कि 1/2 टीस्पून। हमें मिर्चें टेस्ट भी हो सकती है। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं नमक, क्योंकि हमने 1 चम्मच लिया, 1/2 टीस्पून लिया, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 3 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे और साथ में इसमें नूडल्स भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अदरक, जो कि हमने लंबे लंबे कट कर लिए। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं हरी प्याज का सफेद हिस्सा, ठीक है। हरी प्याज का सफेद हिस्सा, जो कि हम अदरक के साथ ही फ्राई करेंगे। हमने ये हरी प्याज का सफेद हिस्सा जो लिया है, 3 हरी प्याज ली थी, जिनका सफेद हिस्सा जो था ना, वो जरा दरमियानी साइज का था, तो हमने उनको ही कट करके इसके अंदर डाल दिया। और अदरक जो है, हम बड़ा अदरक छोटा इतना बड़ा मैंने इसके अंदर कट करके लंबा लंबा उसको कट करके ऐड किया है इसके अंदर। देखिये, हमारी जो प्याज फ्राई हो गई है और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं गाजर। अब हम गाजर को थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं शिमला मिर्च। गाजर हमने 2 अदद ली थी और शिमला मिर्च हमने जो है 1 बड़ी साइज की 1 अदद दी। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं बंद गोभी, जो कि हमने 1 छोटी ली थी और उसका भी हमने आधा करके, उसको हाफ करके हमने इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1 चम्मच काली मिर्चें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं सोया सॉस 3 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं चिल्ली सॉस, जो कि 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं हॉट सॉस। हॉट सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं हरी प्याज का हरा हिस्सा। ये हमने 3 अदद हरी प्याज ली थी, क्वांटिटी हम आपको बता चुके हैं, 3 अदद हमने हरी प्याज ली थी और इसको हमने छोटा कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं नूडल्स जो कि हम पहले ही बॉईल कर चुके हैं। ये बॉइल्ड एग नूडल्स है और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जी तो अब हम बनाने लगे हैं मायो सॉस जो कि बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे मायोनीज जो कि हमने क्या है आधा प्याली ली, और अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं केचप जो कि देखें हाफ प्याली है। और अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं, देखिये मैंने कितनी सी काली मिर्च ली है, ज्यादा नहीं लेनी है, बिल्कुल 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर हमने इसके अंदर काली मिर्च लेके इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। सिंगापुरी राइस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसका बघार तैयार कर रहे हैं जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है अदरक लहसुन जो कि हमने 1 टेबल स्पून दिया है, और हरी मिर्चें जो कि हमने 1 टेबल स्पून दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं लिटिल बिट छोटी मिर्चें। जी तो अब हमारे हम इसको बिल्कुल रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने बॉइल्ड चावल लिए हैं जो कि हम पहले बॉइल कर चुके हैं, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नूडल्स, प्रिपेयर्ड नूडल्स। और अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं ग्रेवी, चिकन ग्रेवी। तो हमने भगार किया था, अब हम उसमें से निकाल के थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे। कुरकुरा भगार जो है वो बहुत मजे का लगता है। डार्क ब्राउन, थोड़ा सा लाइट डार्क ब्राउन करके हमने इसके अंदर लहसुन को ऐड करना है और हरी मिर्चों को भी, ताकि जो है वो कुरकुरा हमारे मुंह में आए। ये बघार बहुत मजे का लगता है। और अब हम इसके अंदर माया सॉस जो है डालेंगे। जी सिंगापुरियन राइस रेडी हो चुके हैं, देखें कितने मजे के लग रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।